बच्चों के 95% मार्क्स आए, बच्चा सुसाइड कर गया। 95% मेरे सारे सब्जेक्ट में साला मिला के 95 नहीं आए, तो मुझे तो लटक ही जाना चाहिए था। और ये गलती बच्चों की भी नहीं है, ये डंडा है ना वो पिताजी से आता है। तो कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा उसको देख वो कैसा पढ़। अच्छा, मां बाप भी अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं कि इसमें D1 B1 C2 सब होना चाहिए। इसे डब्बे पे होता है ना प्रोडक्ट, कि मां बाप के पैर भी छुए, गिटार भी बजाए, पूजा भी करे। बच्चा हो ना हो, प्रोडक्ट हो जिसमें हम सारी स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, पढ़ता नहीं है। अच्छा, ये डायलॉग हर बाप अपने बच्चों को अनंत काल से कहता आया। मैं भी बताता हूं, तो बाप बोल रहा है पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि बच्चा जवाब देता है, अब तेरे हिस्से की पढ़ाई भी मैं ही करूं, जो तू नहीं कर सका वो बाप कह रहा है वो भी अपन ही अब कर डाले। ऐसा इसलिए होता है, कोई गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि अगर ये नहीं किया तो तेरी जिंदगी। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है।